सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप्स टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर अभी करंट लेवल पर 20 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 217.60 रुपए पर ट्रेड कर रहेगा। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में ऊपर में एक सपोर्ट लेवल था 228 रुपीज। 228 रुपीज स्टॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। जब तक स्टॉक इस प्राइस से ऊपर था, स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल रहा था, पर यहां से जब स्टॉक में एक बार वन वे रैली भी देखने को मिली, जहां पर स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया 253 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर काफी बड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और जो स्टॉक का पिछला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 228 रुपीज का, स्टॉक ने उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन दिया गया और स्टॉक ने नीचे में आज के दिन 207 रुपीज के प्राइस को रीटेस्ट करता है, जहां पर आज के दिन एक बॉटम बन चुका है क्योंकि निचले लेवल पर स्टॉक के अंदर ऑलरेडी काफी बड़ी रिकवरी आज के दिन देखने को मिल रही है। अभी करंट लेवल पर देखें तो अपने लो से लगभग स्टॉक ने 10 रुपए की रिकवरी दिखा चुका है और निचले लेवल पर अब एक तेजी का मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो 207 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें और ऊपर में स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है 228 रुपीज। जो स्टॉक में पहले एक सपोर्ट लेवल था, अब इस स्टॉक के अंदर वो एक रुकावट रेंज का काम कर रहा है क्योंकि स्टॉक ने पहले भी इस प्राइस को डिटेस्ट किया था 228 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब नीचे में एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखे अराउंड 207 रुपीज का, शॉर्ट टर्म टारगेट अराउंड 228 रुपीज और सेकंड टारगेट 255 रुपीज। दो बड़े टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक नीचे में 207 रुपीज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन देता है। जब तक स्टॉक इस प्राइस से ऊपर है, स्टॉक में नीचे में एक पॉजिटिव और तेजी का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऊपर में स्टॉक एक बार 228 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है तो वहां पर स्टॉक में एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा और ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 255 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करें। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।